परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहाँ मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। ये बातें श्री महाविष्णु कृष्ण अवतार के समय कहे थे। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु को सबसे पावरफुल गॉड के रूप में बतलाया गया है। इन्हें असल में किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है, भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो चाहते तो खुद आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है? और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? और क्या आप जानते हो कि डार्विन अपने सिद्धांतों को जो एवोल्यूशन थियरी का नाम दिए हैं, वो भी भगवान विष्णु के दश अवतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं? तो भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़े रोचक तथ्यों को लॉजिकल वे में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशंस। लेकिन हम इंसान अभी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशंस होते हैं। रिसेंटली स्ट्रिंग थियरी पर काम कर रहे साइंटिस्टों के द्वारा 12, 13 और 14 डायमेंशंस को अनस्टेबल डायमेंशंस बताया गया है। सो स्टेबल डायमेंशंस आर 11। कुछ ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है। वे कुछ इस प्रकार है, सत्य, तपह, जना, महर, स्वर, भूवर, भूलोक, ये 7 ऊपरी लोक है। अथल, विथल, सुथल, तलाथल, महाथल, रसाथल और पाताल, इन 7 को पाताल लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद है। और हम सब इस भूलोक के डायमेंशन में रहते हैं, और इनमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपरी डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ से वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं। और उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने के कारण अगर वो डायरेक्टली हमारे डायमेंशन में आ भी जाए तो हम सब उनकी हाई एनर्जी के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर में बिजली उत्पाद करने वाला पावर प्लांट से डायरेक्ट करंट लेने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होकर घर में आग लग जाएगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के माध्यम से पावर को रेगुलेट करके हमारे जरूरतों के मुताबिक करंट को रिलीज किया जाता है। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से करते हैं, उस समय आई मुसीबतों की क्षमता के अनुसार अवतार लेते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु और उनके अवतार में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? अगर मुझसे पूछो तो भगवान विष्णु ही रियल एनर्जी है। उनके अवतार को केवल एक छोटा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही रहता है, जो अपना कार्य पूरा करके वापस जाना होता है। भगवान विष्णु के दशावतार से इंस्पायर होकर जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी को बनाया था। भगवान विष्णु वैसे तो कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों से पहले हमें डार्विन के सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। मैं चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जिस आइडियोलॉजी को एवोल्यूशन थियरी का नाम बताए हैं, असल में वे भगवान विष्णु के 10 अवतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। इनका कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था, और कई हजारों साल बाद इन जीवों में म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए, और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडियोलॉजी आया कहां से, वो मैं बताता हूं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। डार्विन एवोल्यूशन थियरी के मुताबिक ये अवतार सिलूरियन पीरियड के समय लिया गया था। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही मौजूद था, और उस समय सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग स्पीशीज मछलियां ही होती थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। डार्विन के मुताबिक इस समय मछलियों से कछुओं का म्यूटेशन हुआ था, और ये जीव पानी में भी रह सकते थे और पानी के बाहर भी जी सकते थे, और इसे डिवोनियन पीरियड का समय बताए हैं। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार जो है वराह अवतार, यानी कि जंगली सुअर। ये जीव पूर्ण तरीके से पानी के बाहर जी सकता है, और डार्विन का कहना है कि ये बदलाव ट्रायसिक पीरियड के समय हुआ था। इसके बाद नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य और आधा शेर। डार्विन के मुताबिक ये अवतार जानवरों से इंसान में इवोल्यूशन होने का बतलाता है, और वेदों के मुताबिक अभी तक ये 4 अवतार सतयुग में हुआ था। इसके बाद वामन अवतार, वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान ड्वार्फ्स नियांडरथल्स थे, जो 5 फीट से छोटे कद में होते थे, और ये भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी फ्यूरियस किस्म के अवतार थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी और वो वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यहीं से फर्स्ट होमो सेपियन, यानी कि शिकार करना, यहीं से शुरू हुआ।
इसके बाद हुआ राम अवतार। इस अवतार के बाद इंसानों में सोशली और साइकोलॉजिकली लाइफस्टाइल को जीना यहीं से शुरू हुआ, जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, ये सभी प्रथा यहीं से शुरू हुआ। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। डार्विन के मुताबिक नॉलेज और थिंकिंग पावर इस द्वापर युग से ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक डार्विन का आइडियोलॉजी भगवान विष्णु के दशावतार से काफी मेल खाता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो कलयुग में हुआ नौवा अवतार जो बुद्ध अवतार है, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है। और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार जो भगवान विष्णु का हाईली एडवांस अवतार होगा। इनके आने का समय जब भी नजदीक आएगा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी जीवों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में सोशल मीडिया पर कई सारी फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इन सब बातों पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि डरना तो उन्हें चाहिए जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को कल्कि भगवान जब भी आएंगे वो अपने शरण में ले लेंगे। और अगर आप भगवान विष्णु के हर एक अवतार के बारे में लॉजिकल वे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ। बाय।